Hi guys, so today we are going to do the question number of good leaf node pairs. So the question given is, given the roots of a binary tree and an integer distance, a pair of two different leaf nodes of a binary tree is said to be good if the length of the shortest path between them is less than or equal to distance, right? So हमें ऐसे we need to return the number of good leaf node pairs, right? So let's look at this example. We are given this tree and we are given this distance 3. So basically हमें इसमें करना क्या है? Let's look at this. हमें क्या दे रखा है कि हमें डिस्टेंस एट मैक्स 3 बताना है. मिनिमम मतलब एट मैक्स डिस्टेंस हमारा 3 होना चाहिए, राइट? तो लीफ नोड के बीच में, लीफ नोड क्या होती है, जिसके कोई भी लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं होता. तो हमने देखा एक लीफ नोड 4 है, एक लीफ नोड 3 है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3, राइट? सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3. तो हमारा एक ऐसा पेयर है 4, 3 का, जिनके लीफ नोड का डिस्टेंस हमारा लेस देन इक्वल टू गिवन डिस्टेंस है, राइट? सो हमारा आंसर 1 हुआ. सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, सो वी हैव दिस. इस केस में क्या है, हमारा डिस्टेंस 3 दे रखा है कि किसी भी लीफ नोड के बीच में एट मैक्स डिस्टेंस 3 होना चाहिए, राइट? तो हमारे पास लीफ नोड 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है. अपने को अब ऐसे पेयर्स बताने हैं जिसमें डिस्टेंस एट मैक्स 3 होगा. तो अगर हमने 4 और 5 कंसिडर किए लीफ नोड, राइट, तो उस केस में क्या होगा, ये और ये डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब ये हम देख पा रहे हैं ना कि ये डिस्टेंस है, ठीक है? तो डिस्टेंस 2 हुआ, विच इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये पेयर हमारा कंसिडर हो जाएगा. देन अगर हम 4 और 6 लीफ नोड देखें, मतलब ये वाली लीफ नोड और ये वाली लीफ नोड, तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 एंड 4. तो ये 4 इज नॉट लेस देन 3, है ना, लेस देन इक्वल टू 3, तो ये पेयर कंसिडर नहीं होगा. सिमिलरली 4 एंड 7 भी कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, सो ये भी हमारा कंसिडर नहीं होगा. देन नेक्स्ट पेयर अगर हम कंसिडर करें, अभी तक सिर्फ वैलिड पेयर ये था. देन अगर हम 6 एंड 7 कंसिडर करें तो क्या होगा, 1 एंड 2, सो द डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू गिवन डिस्टेंस, राइट? सो दो हमारे वैलिड पेयर हैं जिसमें द डिस्टेंस बिटवीन द लीफ नोड इज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस गिवन, राइट? सो हमें नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करके बताने. सो हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? सो नाउ वी हैव दिस ट्री एंड सपोज द इनपुट डिस्टेंस इज गिवन एज 3, राइट? सो वी नीड टू टेल कि कितने पेयर्स होंगे जिसमें एट मैक्स डिस्टेंस 3 होगा. तो लेट स्टार्ट विद द लॉजिक. तो हर नोड से हम पूछेंगे कि भाई लेफ्ट साइड से तेरे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है एंड राइट साइड से कितना डिस्टेंस आ रहा है, जो कि उन दोनों का प्लस होगा. देखो लाइक टू नोड अगर हम सपोज करें, ठीक है? तो एक सेकेंड, हमने टू नोड सपोज करी तो क्या होगा, वो बोलेगा कि लेफ्ट लीफ नोड से मेरा कितना डिस्टेंस है एंड राइट लीफ नोड से कितना डिस्टेंस है, उन दोनों का प्लस होगा. लाइक लेफ्ट में ए डिस्टेंस है, राइट में बी डिस्टेंस है, तो ए प्लस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, राइट? तो अगर ये केस होगा तो हमारा जो आंसर वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, सही है? तो यही केस है. एंड जैसे सपोज 1 पे भी हम क्या करेंगे, 1 से हमारे पास लेफ्ट का डिस्टेंस आ रहा होगा कि लेफ्ट में 3 वाली लीफ नोड से हमारे पास कितना डिस्टेंस है, 2, एंड राइट से 6 वाली लीफ नोड का कितना डिस्टेंस है, 2, ठीक है? तो इन दोनों को प्लस करके देखेंगे, क्या 4 इज लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3, तो बोलेगा नहीं, ठीक है? तो हमें बेसिकली हर लीफ नोड का उस नोड से डिस्टेंस पता होना चाहिए. सो देखते हैं क्या करना है अब हमें. तो हमारे पास ट्री है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमने क्या किया, जब हम लीफ नोड पे आ गए, हमने ट्रैवर्सल ऊपर से शुरू किया, डीएफएस फंक्शन कॉल किया अंटिल वी रीच द लीफ नोड.
लीफ नोड अब हम कैसे देखेंगे कि अगर रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल है एंड रूट का राइट इक्वल टू नल है तो मतलब ये लीफ नोड है, ठीक है। तो लीफ नोड आ गई तो वो बोल देगी, वो अब रिटर्न करेगी कि डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो मतलब इस नोड को पता चल जाएगा कि लीफ नोड का डिस्टेंस 1 है हमारे पास, है ना, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा 1। सो अब क्या होगा कि ये रिटर्न कर देगा 1 कि मेरा मतलब इस नोड का डिस्टेंस 1 है। एंड देन वो राइट से पूछेगा कि तेरे पास जो भी लीफ नोड है उसका डिस्टेंस बता दे, तो ये भी रिटर्न क्या करेगा 1, राइट। इस नोड पे क्या होगा, अब हम इस नोड पे कंप्यूटेशन करेंगे कि जो भी लेफ्ट में तेरे पास लीफ नोड्स हैं एंड जो भी राइट में तेरे पास लीफ नोड्स हैं तो क्या उन दोनों का एडिशन, मतलब हम क्योंकि क्यों कर क्या कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे, जो लेफ्ट से डिस्टेंस आया राइट से डिस्टेंस आया अगर वो लेस देन इक्वल टू उनका सम डिस्टेंस से लेस है तो हम उसको पेयर को कंसिडर कर लेंगे, राइट। तो इसका क्या मतलब आया कि लेफ्ट से इसका डिस्टेंस आया 1, राइट से डिस्टेंस आया 1, तो इन दोनों को एडिशन करके इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस निकलेगा, तो हम ये पेयर काउंट कर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम इसको भेजेंगे, अब हम प्रीवियस नोड को रिकर्सिवली भेजेंगे। सो अब क्या होगा, जब हम प्रीवियस नोड को हम रिटर्न करेंगे तो क्या बोलेंगे कि अभी तक इसका डिस्टेंस 1 था, तो अब इससे मतलब प्रीवियस नोड से एक और डिस्टेंस ऐड हो जाएगा जो प्रीवियस क्वांटिटी थी प्लस 1 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली इस नोड का भी डिस्टेंस रूट नोड से कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इस केस में लेफ्ट साइड से जो नोड आएंगी उन दोनों का डिस्टेंस 2 होगा, सही है। अब राइट साइड में भी सिमिलर केस होगा, तो अब जब राइट में कॉल किया तो अभी इधर से कुछ रिटर्न नहीं होगा, डीएफएस कॉल लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो 6 रिटर्न हुआ अपना इधर, 6 आया जो कि लीफ नोड है, तो लीफ नोड है तो वो सिंपली एक एरे 1 वैल्यू की भेज देगा कि भाई ये जो 5 नोड है उसका डिस्टेंस लीफ नोड से 1 है, जो कि हम देख सकते हैं। सिमिलरली राइट साइड से वो पूछेगा कि लीफ नोड का कितना डिस्टेंस है, वो भी रिटर्न करेगा एक वेक्टर जिसमें साइज वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब इस केस में इस वाली नोड पे हमारे पास एक लेफ्ट नोड लेफ्ट वेक्टर आएगा एंड राइट वेक्टर आएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू होगी 1,1, क्योंकि लेफ्ट में भी डिस्टेंस 1 है एंड राइट में भी 1 है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज ऐड करके देखेंगे। अब इस केस में क्या होगा कि इसमें भी 1+1 इज लेस देन डिस्टेंस होगा, राइट। तो ये केस कंसिडर हो जाएगा। अब सिमिलरली जैसे हमने इधर +1 किया था क्योंकि हम एक नोड ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ वेक्टर राइट साइड में 2 और 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेक्टर होगा, ये राइट वेक्टर होगा। अब सपोज करो ए एंड बी वैल्यूज हमारे पास लेफ्ट वेक्टर में है एंड सी एंड डी वैल्यूज राइट वेक्टर में है, तो अब क्या होगा, हमने जैसे कंसिडर किया था केस, हम एक केस लेंगे कि ये रूट यहाँ से जा रहा है, मतलब 3, 2, 1, 5, 6, मतलब 3 और 6 वाला पेयर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस क्या आ रहा था, 1, 2, 3, 4। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए और बी का कॉम्बिनेशन निकाल के, क्योंकि वो बेसिकली बता रहे हैं ना कि इस वाले नोड से 3 का कितना डिस्टेंस था एंड राइट से बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस था, है ना। तो अब ये दोनों वैल्यूज 2 है तो ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि 2+2 इज नॉट लेस देन 3, है ना, नॉट लेस देन। फिर उसके बाद क्या होगा, ए और डी कंसिडर होगा, ए प्लस डी क्या लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, बट वो भी नहीं होगा क्योंकि सारी क्वांटिटीज 2 है, तो ए प्लस डी भी हमारा ट्रू नहीं होगा। देन सिमिलरली बी प्लस सी कंसिडर होगा, देन बी प्लस डी कंसिडर होगा, तो उस केस में हम सारे पेयर्स कर लेंगे, जैसे 3, 6, फिर 3, 7, देन 4, 6, 4, 7, ठीक है। सबका डिस्टेंस 4 है तो कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। सो टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन, सपोज अगर लेफ्ट से वैल्यू ए आ रही है, ठीक है, कि मतलब लीफ नोड से डिस्टेंस ए है, एंड सपोज ये डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस जो हमारा इनपुट डिस्टेंस है ना, कि मतलब भाई जो लेफ्ट में ही जो सबसे लीफ नोड है ना, तो
कि उसका ही डिस्टेंस ग्रेटर है, तो अगर कोई भी क्वांटिटी इसमें ऐड होगी बी की तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन डिस्टेंस होगी, तो ये वाला पेयर ऑब्वियसली वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम ये केस ऑप्टिमाइजेशन में डाल सकते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन डिस्टेंस हो जाए, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब जो हम लेफ्ट वेक्टर और राइट वेक्टर बना रहे हैं उसमें हम ऐड नहीं करेंगे वो वैल्यू। सो लेट्स सी द कोडिंग पार्ट। सो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना देते हैं हेल्पर फंक्शन, उसमें हम रूट भेज देते हैं एंड डिस्टेंस भेज देते हैं, राइट। एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जिसमें कि आंसर होगा, एंड एंड में हम नंबर ऑफ पेयर रिटर्न करने हैं तो हम काउंट रिटर्न कर देंगे। देन हमने एक फंक्शन बनाया हेल्पर, अभी मैं रिटर्न टाइप नहीं बता रही, हम कोड के समय ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एंड एक डिस्टेंस वेरिएबल इंट डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देन उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब मैंने चेक किया क्या रूट इक्वल टू नल है, तो उस केस में मैंने क्या किया था, जो वेक्टर मैंने भेजा उसमें वैल्यू 0 डाल दिया, है ना। जैसे कि अपने पास ये है, सपोज ये ट्री है अपने पास, एंड राइट साइड में ये है, ये अपना रूट नोड आया, लेफ्ट में गया एंड देन लेफ्ट में गया, तो इधर नल नोड थी, तो उसने क्या कहा, क्योंकि एक एज ही नहीं है, इधर एज है ही नहीं प्रेजेंट, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ लीफ नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एंड क्योंकि राइट साइड में एग्जिस्ट कर रही है एक नोड, तो रिटर्न क्या होगा, 1, है ना। सो इसीलिए हमने कहा कि रिटर्न 0। एंड अब मैंने बोला कि अगर ये लीफ नोड है, इफ दिस इज द लीफ नोड, सो उस केस में क्या होगा, अगर रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल एंड राइट रूट का राइट इक्वल टू नल, तो उस केस में हम क्या भेजेंगे, रिटर्न करेंगे हम 1 कि एक डिस्टेंस है, एक एज प्रेजेंट है हमारी, फाइन। सो अब क्या होगा, अब हम डीएफएस कॉल करेंगे रिकर्सिवली लेफ्ट साइड में, तो हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, वेक्टर, सो उसका नाम हम लेफ्ट दे देते हैं एंड हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, रूट के लेफ्ट पे कॉल करते हैं एंड डिस्टेंस डी भेज देते हैं, देन वेक्टर इंट राइट, रिकर्सिवली हम राइट में कॉल करते हैं, देन रूट का राइट हम कॉल करते हैं एंड डिस्टेंस डी भेज देते हैं। सो इससे हमें इम्प्लाई हो गया कि रिटर्न टाइप क्या होगा, वेक्टर, सो हम इधर वेक्टर रिटर्न कर देते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप। अब हमें प्रोसेसिंग करनी है कि कितने पेयर हमारे वैलिड हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज लेफ्ट से वैल्यू आई ए एंड बी और राइट से वैल्यू आई सी और डी, तो हम क्या कर रहे थे, हर वैल्यू को मतलब क्वाड्रेटिक में, मतलब ए को हमने सी डी से कंपेयर किया, कंपेयर नहीं मतलब ए प्लस सी कंपेयर किया कि क्या वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, एंड फिर ए प्लस डी किया, तो ये हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कर सकते हैं, मतलब हम दोनों वेक्टर्स को आइट्रेट कर रहे हैं, फाइन। सो कर देते हैं हम, फॉर इंट एक्स ऑफ लेफ्ट फॉर इंट वाई ऑफ राइट, ठीक है। अब इफ, अब देखो जब हमारा नोड नल था ना, तो लेफ्ट साइड से वैल्यू क्या आ रही थी, 0, ठीक है, बट यहाँ कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं था, है ना, तो उस केस में ना हमें 0 को वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना है, तो हम पूछेंगे क्या एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0 है क्या, अगर है फिर हम पूछेंगे कि क्या एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है क्या, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कि हमारा पेयर हैज बीन फाउंड, एक पेयर फाउंड हो गया, तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया आंसर। देन उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें फाइनल एक वेक्टर रिटर्न करना है, सही है। वेक्टर क्यों रिटर्न करना है, देखो जैसे अपने पास ट्री थी, तो हमने इनिशियली इधर से 1 वेक्टर रिटर्न किया, राइट से हमने वेक्टर रिटर्न किया 1, ठीक है। अब इधर हमें रिटर्न करना है ना वेक्टर, एक लेफ्ट वेक्टर आ रहा है एक राइट वेक्टर आ रहा है, अब हमने वैल्यूज क्या रिटर्न किया था, जो भी वैल्यू है प्लस 1, तो 2 रिटर्न किया था, इधर वैल्यू 1 है तो रिटर्न किया था 2, एंड उसमें हमने कंडीशन लगा दी थी कि अगर जो वैल्यू आ रही है, अगर ए इज ग्रेटर देन डिस्टेंस है, तो हम इसे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो कर लेते हैं फॉर इंट एक्स ऑफ लेफ्ट, सही है। तो अब ऐसा है अगर
आंसर, अब मैं पूछूंगी क्या एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है क्या, एंड एक्स इज लेस देन डिस्टेंस डी वाला वेरिएबल। फाइन, सो उस केस में क्या किया, आंसर डॉट पुश बैक किया मैंने एक्स। फाइन, देन उसके बाद सिमिलरली हम राइट वेक्टर के लिए हम यही चीज कर लेंगे। सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन डी, सो आंसर डॉट पुश बैक करेंगे। अब इसमें एक्स प्लस वन करेंगे क्योंकि प्रेजेंट डिस्टेंस एक्स है तो एक्स प्लस वन होगा ऐड, राइट। सो ये पुश बैक हो जाएगा एक्स प्लस वन। सो हमारे पास ये वेक्टर तैयार हो गई है एंड हमें सिंपली ये रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर। सो दिस इज द कोड एंड लेट्स रन इट। So on running the code, I get accepted for the sample test case, and if I submit this, so it's taking a bit long, but like it's correct. So I hope you guys have understood it. And talking about the time complexity part, we are iterating over each node one time. And then we are doing some kind of processing that is quadratic, right? So this will be more than linear time complexity. And this can be understood to be like जितने हमारे पास leaf nodes है ना, into number of leaf nodes. So this will be the time complexity, and the code is in the description. Bye bye guys.